बन गए? हाँ, कितनी देर फ्रिज में रखा? हाँ, ये बहुत मजे के लग रहे हैं, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद के दिन चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, गोश्त सारा संभाला जा चुका है हमारे वर्टिकल फ्रीजर में, और हिना आज चपली कबाब बना रही हैं, उसी की बनाते बनाते थोड़ी आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगी। जी हिना बताएं, अभी तक आपने क्या क्या किया है? मैंने कीमा लिया है, कीमा जो है चपली कबाब की एक जो सबसे बड़ी की है उसकी ये की है, टिप है कि उसके अंदर आपको कीमा डबल जाली का करवाना पड़ेगा। अच्छा, और क्या क्या डाला है? कीमे में चर्बी कितनी थी? कीमे में 1/4 चर्बी होती है, चपली कबाब के लिए चाहिए होती है। अच्छा, बिल्कुल साफ वाला गोश्त नहीं चलेगा? वो भी चल जाता है, लेकिन चपली कबाब की जो चर्बी की वजह से वो थोड़े से ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और क्या क्या डाला? तो 1/4 जो है वो चपली कबाब में चर्बी होती है, डबल जाली वाला कीमा होता है, प्याज लिए 2 मीडियम साइज के, उनको मैंने इस चॉपर में चॉप कर लिया। ठीक है, चॉप करने के बाद मैंने इस छन्नी में उस प्याज को डाल के तो अच्छी तरीके से स्क्वीज कर लिया ताकि उसका एक्सेस सारा पानी निकल जाए। अच्छा, प्याज का। ठीक है, चॉपर में मैंने प्याज डाले थे और मैंने हरी मिर्चें डाली थी। अच्छा, हरी मिर्चें 5 से 6 जैसे आप मिर्चों ज्यादा अगर मिर्चें करनी हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक। कितने कीमे में ये 2 प्याज और 6 हरी मिर्चें? कितना? आधा किलो कीमा। ये आधा किलो कीमा। और क्या मसाला कौन सा? फिर इसके अंदर मैंने डाला है अनारदाना जो खटाई वाला होता है। ठीक है, 2 टेबलस्पून अनारदाना डाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया डाला है, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के मुताबिक जो आपका हस्ब जायका नमक आप डाल सकते हैं। ठीक है, और लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला है सूखा धनिया पाउडर वही 1 टीस्पून। अब इसमें मैं 1 अदद अंडा डालूंगी और इसके अंदर जाएगा मकई का आटा। अच्छा, मकई का आटा जाएगा इसके अंदर, और अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप बेसन को ना 2 टेबलस्पून बेसन को फ्राई पैन में फ्राई करके ना हल्का सा के उसके ऊपर ब्राउनिश कलर आए तो वो अभी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है। तो सिंपल नहीं इतने सारे मसाले डालने की जगह आप नेशनल या शान का मसाला डाल दें? कुछ लोग जो होते हैं वो अपने अपने मसाले डालना चाहते हैं। वैसे आपने कभी ट्राई की हो तो नेशनल, शान, मेहरान वगैरह में से कौन सा? शान के में काफी ज्यादा तेज होते हैं, खुशबू ज्यादा तेज होते हैं। अब जो है ना वो मैंने अभी इनको मिक्स कर दी है, लेकिन अब इसके अंदर मैं डालूंगी चॉप किए हुए टमाटर। अच्छा, ठीक है, अब टमाटरों थोड़े से डाले भी हैं शायद? नहीं, ये रेड मिर्च है। अच्छा, ये ऑरेंज मिर्च है। ठीक है, की थी मेरे पास ऑरेंज चिलीज थी तो मैंने यूज़ की। इसको भूनना जरूरी होता है? मैं ये बताना भूल गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी लास्ट में डालिएगा। कितना? 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी लास्ट में डालता है। आपको तो पता है गोश्त, जहाँ पे गोश्त होता है वहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट तो लास्ट में डालता है। फ्रेश कीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। मैंने फ्रेश ही अदरक और लहसुन जो है वो प्याज और उसके साथ कर दिया था चॉप। इसको इतना भूनना है कि खुशबू आने लगे। हाँ, अच्छा, ये अदरक लहसुन अभी डाला है? मैंने फ्रेश पीसा। भाई गोट तक आ रही है खुशबू बेसन की। कच्चा बेसन ही डालते हैं। भीनी भीनी सी महक आ रही है। अच्छा, कोई इसमें ऑयल नहीं डालना ना भूनते हुए? बस बंद कर दिया, बस जैसे आपको खुशबू आने लगे, हल्का सा आपको दिखे कलर चेंज हो रहा है, बस जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भुने हुए चने जो होते हैं छोटे येलो कलर के, आप उनको भी पीस के, वो भी आपका मकई का आटा बनता है। नाज़रीन, हिना के हाथ में माशाल्लाह जायका है, और लेकिन इससे भी ज्यादा जायका है इनकी मदर के हाथ में, उनका भी एक चैनल है बीबी जान फूड। अभी बीबी जान ब्लॉग्स, बीबी जान ब्लॉग्स भी स्टार्ट हुआ है, और मेरी मदर भी बहुत मजे के खाने बनाती है, स्पेशली उनका चिकन पुलाव बहुत मशहूर है, उनसे भी कभी आप को मिलवाऊंगा मैं। गरम नहीं है? गरम नहीं है, हल्का सा गरम था लेकिन वो चीनी के साथ। अच्छा, ये बाइंडिंग के लिए जरूरी होता है? तो फिर अंडा भी डालना है? अंडा एक डालना,
हम इसको कर लेते हैं और इसको एक घंटे के लिए आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि ये जो है ये थोड़ा सा ठंडा, जितना ठंडा होगा कीमा वगैरह वो उतना सही रह बनेगा, वरना आपके कबाब टूटते नहीं। अच्छा, अक्सर लोगों का मैंने देखा है वो चप्पल कबाब बनाते हैं बाद में फ्राई करने लगते हैं तो सारे टूट के भुरभुरे हो रहे होते हैं। हाँ, ठंडा होना चाहिए आपका ये बैटर, ठंडा होना चाहिए। अच्छा, ये भी एक टिप है। और अगर आप चाहते हैं आपके चपली कबाब सॉफ्ट रहे तो एक जो फ्रेश ब्रेड का स्लाइस होता है हाथ से भुरभुरा करके डालते हैं। ये कबाबों की टिप होती है। आप बोटी कबाब बनाएं, आप कोई भी कबाब बनाएं, आप उसके अंदर चिकन की बोटी कबाब, बीफ के बोटी कबाब, उसके अंदर आप अगर एक कोफ्ते बनाएं उसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस विदाउट पानी में सोख किए बगैर आप उसको हाथ से भुरभुरा करके आप उसको या फिर चॉपर में चॉप करके जो है इस तरह करके आप उसको जो है वो डालें तो आपके बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बन गए? हाँ, कितनी देर फ्रिज में रखा? कम से कम 2 घंटे मैंने रखे हैं। अच्छा, 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए रख दिए ताकि ठंडा बैटर हो गया तो अच्छी तरीके से टूटता नहीं है। और ठंडे पानी के साथ जो है ना वो मैं ले रही हूँ, हाथ पे ठंडा पानी लगाए हल्का हल्का। अच्छा, और फिर उसके मतलब इनको ठंडा ठंडा रखना है। हाँ, उसके बाद इसको आराम से और पलटना नहीं है बार बार? नहीं, अब इसको हल्की मीडियम लो फ्लेम पे, ज्यादा हल्की भी नहीं और ज्यादा तेज नहीं करना वरना अंदर से कच्चे बनेंगे। हल्का मीडियम फ्लेम है, हल्का मीडियम फ्लेम है, ठीक है। यार वो जो होटल्स में मिलते हैं उनमें सेंटर में होता है टमाटर? हाँ, टमाटर मीडियम फ्लेम पे रखें ताकि सॉफ्ट और अंदर तक पके गए। यार ये बहुत मजे के लग रहे हैं, अभी से मुंह में पानी आ रहा है, नजर ना लगे। और अगर आप चाहते हैं अंदर तक बिल्कुल गल जाए तो इसको ना ढक के रखें, क्योंकि मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ तो मैं इसको ढकूंगी।